क्या करती है कंपनी? गुजरात की कंपनी ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल सीएनसी मशीन्स मशीनों का निर्माण करने वाली बड़ी कंपनियों में से एक है। ये कंपनी हर तरह की वर्ल्ड क्लास सीएनसी मशीन भारत में ही बनाती है। इस कंपनी की शुरुआत जनवरी 1991 में हुई थी। इस समय भारत में सीएनसी मशीन की सप्लाई करने वाली दूसरी बड़ी कंपनी है। कौन है इसके ग्राहक? ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन के ग्राहकों में कई बड़े नाम शामिल हैं। इनमें इसरो, ब्रह्मोस एरोस्पेस तिरुवनंतपुरम लिमिटेड, टर्किश एरोस्पेस, एमबीडीए, यूनिपार्ट्स इंडिया, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, टाटा सिकोर्सकी, भारत फोर्ज लिमिटेड, कल्याणी टेक्नोफोर्ज लिमिटेड, रोलेक्स रिंग्स लिमिटेड और बॉश लिमिटेड जैसी कंपनियां शामिल हैं। सितंबर 2023 तक कंपनी के ऑर्डर बुक में 3,315.33 करोड़ रुपये का काम था। अब बात करते हैं आईपीओ की। ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन के आईपीओ का साइज 1,000 करोड़ रुपये का है। इसमें 75% हिस्सा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स या क्यूआईबी के लिए रिजर्व्ड है। इश्यू का 15% हिस्सा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स या एचएनआई के लिए रिजर्व किया गया है। आईपीओ का 10% हिस्सा रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रखा गया है। इन्वेस्टर्स के लिए आईपीओ का लॉट 45 या 45 के मल्टीपल में होगा। आईपीओ में शेयरों का अलॉटमेंट 12 जनवरी 2024 को फाइनल होगा। कंपनी के शेयर 16 जनवरी 2024 को बीएसई और एनएसई में लिस्ट होंगे। आईपीओ पूरी तरह से 1,000 करोड़ रुपये तक के इक्विटी शेयरों का एक फ्रेश इश्यू है। इश्यू से प्राप्त आय में से 475 करोड़ रुपये का उपयोग ऋण भुगतान के लिए होगा। 360 करोड़ रुपये कंपनी के लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल नीड के लिए रखा जाएगा। क्या चल रहा है जीएमपी? ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन आईपीओ का जीएमपी कुछ अन्य आईपीओ से बढ़िया है। शुक्रवार की सुबह ग्रे मार्केट में इस आईपीओ के एक शेयर के लिए 85 रुपये का प्रीमियम कोट किया जा रहा था। मतलब कि यदि अपर प्राइस बैंड 331 रुपये को इश्यू प्राइस माना जाए तो इन्वेस्टर्स को 85 रुपये या 25.68% ज्यादा का रिटर्न देते हुए शेयर 416 रुपये पर लिस्ट होंगे।